जो खुद हमारे जहनों में, हमारे भाइयों और बहनों के जहनों में जो है बिल्कुल घर कर चुकी है और उससे वो निकलना नहीं चाहते। इस बात को आप समझे कि एनआरसी और सीएए के खिलाफ क्यों लाया गया है, क्योंकि आप मुसलमान हैं। बहुत साफ बात थी ना, बहुत साफ साफ एक होम मिनिस्टर बोल रहा है कि ये इसमें जो है सिख नहीं आएंगे, बुद्धिस्ट नहीं आएंगे, हिंदू नहीं आएंगे, यानी इन सबको जो है एनआरसी में नहीं इंक्लूड किया जाएगा, यानी इंक्लूड कर लिया जाएगा सिवाय मुसलमानों के। ये साफ साफ बोला गया है, साफ साफ बोला गया है। एक होम मिनिस्टर ये बात बोल रहा है, और जब ये मूवमेंट खड़ा होता है और सारे मुसलमान सड़कों पर निकल आते हैं तो उनको बोला जाता है कि देखो तो अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को असर मत करो, ये सब नारे में लगाओ वरना हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। जब ये पूरा दिल्ली जो है मुसलमानों के खिलाफ है, एंटी मुस्लिम है, तो हम फिर क्यों ये नारे न लगाएं, या हम ये क्यों नहीं बोले कि हम जो है यानी कि ये मुसलमानों के खिलाफ है तो हम जो अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी है उसको खुलकर कहेंगे। तो ये बात आई कि ये अगर ऐसा करोगे तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। आप जरा देखिए कि जो सीए का मामला है वो सिर्फ इस वजह से है कि आप मुसलमान है। अच्छा, आप मुसलमान है तो फिर मुसलमान का मतलब क्या होता है? आप मुसलमान कैसे हैं? आप मुसलमान इसीलिए तो है क्योंकि आप एक कलमा पढ़ते हैं, इसीलिए तो है, वरना तो जो कपड़े हम पहनते हैं वो कपड़े और लोग भी पहनते हैं, जो पढ़ाइयां आप करते हैं वो पढ़ाइयां और लोग भी करते हैं, ये सारी चीजें हैं। खाना जो आप खाते हैं वो भी खाते हैं, तकरीबन कुछ हलाल और हराम का फर्क होता है। लेकिन जो एक चीज है वो फर्क क्या है जिसकी वजह से आप मुसलमान हैं और ये सारे दुश्मन हैं? वो फर्क आपका कलमा है, वो ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि हम कहते हैं कि कोई इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। सारी दुश्मनी इसी बात की है। तो जब सारी दुश्मनी इसी बात की है तो हम ये बात खुलकर क्यों ना कहें सड़कों पर कि जो है जिस वजह से तुम दुश्मनी हमसे करते हो उसी चीज को लेकर उठेंगे हम। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स क्यों नहीं कहते? किस बात से डरते हैं आप? सियासी पार्टी से डरते हैं? इस बात से डरते हैं कि आपका सेक्युलरिज्म खत्म न पड़ जाएगा? अरे इतने दिन से तो आप सेक्युलरिज्म ढोते हुए आ रहे हैं ना, कितने वक्त से ढोते हुए आ रहे हैं? आप देखिए कि क्या मिला आपको? आपको कॉमन राइट्स मिले क्या? उसके जो है इंसाफ मिल गया आपको? आपको कहा गया कि हमें जुडिशियरी हमारे लिए क्या है, आइडियल है, हमें बड़ा भरोसा है, एतमाद है, ईमान है। ये मुसलमानों को जो है पिलाया गया बिल्कुल बाकायदा, वोट बिल्कुल जैसे पिलाया जाता है ना बच्चों की तरह, वैसे पिलाया गया आपको इन पर ईमान रखो। यहाँ की जुडिशियरी जो है ना ये बिल्कुल जो है तुम्हारे खिलाफ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट जो है ना ये बिल्कुल जो है आइडियल है। बताइए कि कॉमन राइट, जितने भी कॉमन राइट यहाँ पे हुए उनमें कितने कॉमन राइट का इंसाफ मुसलमानों को मिल गया? तो वो जो सेकुलरिज्म आप धोते रहे उसके रिजल्ट ये है, बाबरी मस्जिद शहीद हुई। बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद आपको ये बोला गया कि देखो हमें जो है सुप्रीम कोर्ट पे और जुडिशरी पे भरोसा है, इसका केस लड़ेंगे और उसके बाद जो है हमारे साथ इंसाफ हो जाएगा। आप इंतजार करते रहे 20 साल तक इंतजार किया, इन लोगों ने बकायदा बोला, और जो जजमेंट अभी जो आया उसके बाद आपने देखा कि क्या जजमेंट था, कि जो जज है वो बोल रहा है कि हाँ सारे सबूत जो है उनके खिलाफ है, यानी सबूत इस चीज के है कि बाबरी मस्जिद यहाँ पे थी लेकिन हम जो है यहाँ बाबरी मस्जिद नहीं बनी, बिल्कुल ऐसी जजमेंट था। तो ये जो है ये सब आपके ये सब जो है रिजल्ट है सेकुलरिज्म का, जो आपको पढ़ाया गया दिन ब दिन। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो आपको बार बार कहा जाता है कि चूंकि आरएसएस आपके ऊपर जुल्म कर रही है तो आप सेकुलरिज्म का नारा लगाइए, ये जो नैरेटिव आपको बार बार पेश किया जाता है, बोला जाता है कि देखो अगर तुम्हें अपनी लड़ाई लड़नी है तो तुम अपने तरीके से नहीं लड़ सकते हो, तुम्हें हमारे तरीके से लड़ना पड़ेगा। ये जो चीज़ है ये बड़ी खतरनाक है, ये जो चीज़ है ये बड़ी खतरनाक है और ये समझने की जरूरत है। और अगर मान लीजिए इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा होने के बाद अगर वापस जो है आप वही सारी बातें करते रहेंगे और उन्हीं के तरीके से, कोई बात नहीं। तो ये मामला है, यानी जब मैं यहाँ पे आ रहा था और जिस तरह की बातें बनाई गई है, आप जरा सोचिए इस बात को कि ये दुश्मनी किस चीज की वजह से है। और आज यानी ये सारे जो चाहे दिल्ली में हो या यहाँ पे हो या कहीं पे भी हो, जो सारा मूवमेंट है वो मुसलमानों का खड़ा किया हुआ है। और आप ये सोचिए कि एक स्पीकर अगर कहीं पे जाता है तो वो डरता है कि मैं वहां पे इस्लाम की बात करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। ये इस्लामोफोबिया सिर्फ आरएसएस में नहीं है, ये इस्लामोफोबिया आपके दिलों में भी बिठाया गया है।
कोई बात नहीं, ये इस्लामोफोबिया आपके दिलों में भी बिठाया गया है, मुसलमानों को खुद अपने आप का हिटर बनाया गया है। आप सेल्फ हिटर हैं, कोई बात नहीं, आपको सेल्फ हिटर बनाया गया है। जब ये जो है आपकी आइडेंटिटी आपके कलमे की वजह से आप उसे बोलते हैं और उसकी वजह से जो है लोग नाराज हो जा रहे हैं, खुद मुसलमान नाराज हो जा रहे हैं। आपको हैरानी होगी इस बात की, जब ये सारे वहां पर लगाए गए तो हमारे विधान पर तो बहुत सारे दाढ़ी टोपी बन गए। शशि थरूर ने एक बात कही, शशि थरूर ने यह बात कही कि अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाए जाएंगे तो ये एक्सट्रीमिज्म के नारे हैं। अब इसमें जो चीज है वो जरा आप सोचिए कि ये अभी तक ये कहते थे कि इस्लाम के नाम पे जो वायलेंस होता है वो टेररिज्म है, वो एक्सट्रीमिज्म है। अभी तक वायलेंस का बहाना था इनके पास, लेकिन शशि थरूर जो हिंदुस्तान के सेकुलर्स और सेकुलरिज्म का एक आइडियल है, एक नमूना है, एक रोल मॉडल है, वो इस बात को कह रहा है। जरा सोचे कि इससे मालूम चलता है जो ये जो पूरा इनका पर्सपेक्टिव है, यानी इन्होंने जो ये ढांचा तैयार किया था सेकुलरिज्म का और आपको पिलाया है, वो खुद अपने आप को इन्होंने एक्सपोज किया है। कैसे एक्सपोज किया है? अभी तक ये बोलते थे कि इस्लाम के नाम पर जो एक्सट्रीमिज्म होता है वो यानी कि वायलेंस के नाम पर जो चीज़ें होती हैं वो एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म है। लेकिन यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि अगर तुम कलमा भी अपनी जो है बोलोगे कहीं पे, अगर जो है रोड पे अपने मुसलमानों की ये भीड़ में जो है अगर कलमा बोलोगे, ये बोलोगे कि अल्लाह अकबर, ये बोलोगे कि तेरा मेरा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये जो है एक्सट्रीमिज्म है। यानी इनको आपके कलमे से ही दिक्कत है। ये एक्सपोज किया है उन्होंने, यानी आपकी आइडेंटिटी से, आपके कलमे से इस प्रॉब्लम मोहन भागवत को नहीं है, वो दिक्कत जो है शशि थरूर को भी है, वो दिक्कत जो है कांग्रेस के लोगों को भी है, वो दिक्कत कन्हैया को भी है। तो आप जो एक बात जो आप लोगों के सामने नहीं रखी जा रही है कि इस पूरे मूवमेंट का आइडिया क्या है, इस प्रोटेस्ट का आइडिया क्या है, बुनियाद क्या है, वो बुनियाद मेरे भाई आपको नहीं बताई जा रही है। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा के वास्ते इस बात को समझिएगा, वरना आप याद रखिए कि हम जो है अगर ये लड़ाई इतना जो है बड़ा मूवमेंट खड़ा कर भी ले और उसके बाद उस आइडिया को ना समझे तो यह पूरी जनरेशन, हम खुद और आगे आने वाली जनरेशन, आप याद रखें कि हम कई सालों की गुलामी में फिर से उनको जो है आमादा कर देंगे। तो आप आइडिया ऑफ द प्रोटेस्ट को समझिए कि ये बुनियाद क्या है। अगर बुनियाद तय नहीं है तो कितनी भीड़ आप इकट्ठा कर लीजिए कुछ नहीं होने वाला, कितनी भीड़ इकट्ठा कर लीजिए तो आपको तय करना होगा कि उसकी बुनियाद क्या है। हम कहते हैं कि ये लड़ाई जो है, ये दुश्मनी जो है हमाररी आइडेंटिटी की वजह से है और वो आइडेंटिटी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। तो हमारी लड़ाई की बुनियाद भी ये कलमा तौहीद होगा, बहुत साफ तरीके से कि हमारे लड़ाई की बुनियाद भी कलमा तौहीद होगा और इसमें किसी सियासी पार्टी और सेकुलरिज्म के मफाद नहीं होंगे। आपको बोला जाता है कि ये लड़ाई जो है सेकुलरिज्म को बचाने की है, डेमोक्रेसी को बचाने की है, बोला जा रहा है, रोज रोज बोला जा रहा है। लेकिन मेरे भाई ये बात नहीं है। आप भले ही हमसे डिफर करें, आप बुरा भला कहें कि इससे ये कमनल कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आप कहें कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें अल्लाह के यहाँ जवाब देना है, इसलिए हक बात को बोलना बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। आप क्या है, आप जरा देखिए ये बिल कैसे डेमोक्रेटिक है। दिस बिल इज कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, 10th क्लास तक आपने सिविक्स पढ़ा है, पढ़ा है ना सिविक्स। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या होती है कि जो मेजोरिटी कह दे वो सही है, यानी जो मेजोरिटी मान ले उस बात को मान लिया जाएगा। ये बताइए ये बिल जो है पार्लियामेंट में क्या माइनॉरिटी ने पास किया है? मेजोरिटी ने पास किया है, और मेजोरिटी में भी ऐसा नहीं कि 51%, 75% से ज्यादा लोगों ने इस बिल को पास किया है। तो ये बिल कहां से अनडेमोक्रेटिक है? डेमोक्रेटिक है ना, तो फिर क्या इसी डेमोक्रेसी को बचाने की बात की जा रही है? डेमोक्रेसी के नाम पे, मेजोरिटी कॉन्शियंस के नाम पे कितने ही मुसलमानों को फांसी दे दी गई, मेजोरिटी कॉन्शियंस के नाम पे, कि मेजोरिटी नाराज ना हो जाए। ठीक है, मुसलमानों के इसलिए जो है ये इनोसेंट है ये मुसलमान, लेकिन मेजोरिटी नाराज हो जाएगी इसलिए जो है जज जो है इसको फांसी की सजा दे देगा। आपने क्या नहीं देखा, ये भूल जाएंगे ये सब चीजें? क्या सिर्फ आरएसएस की दुश्मनी की वजह से ये 70 साल से जो हमारे साथ चलता हुआ आ रहा है क्या उसको भुला दिया जाएगा? नहीं, हम अब सब चीज को याद रखेंगे। अब जो है एक गुलामी से निकालकर हमें दूसरे गुलामी में नहीं डाला जाएगा, बल्कि अब जो आजादी की सदा है वो हम लगाएंगे। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा उस आजादी की सदा को लगाएंगे।
बुनियाद जो है लड़ाई के बुनियाद हम तय करेंगे। लड़ाई के बुनियाद मुसलमान कैसे लड़ेगा, एमी और जामिया के स्टूडेंट किस तरीके से लड़ेंगे, ये ना मोहन भागवत बताएगा, ये ना जो है कोई आरएसएस का बताएगा, और ना ही जो है कोई शशि थरूर बताएगा, ना ही कोई कन्हैया बताएंगे, बल्कि मुसलमान खुद तय करेंगे। और जब बुनियाद तय करेंगे, उस बुनियाद पे अगर आप हमारे साथ आ सकते हैं तो आइए, बिल्कुल हम आपको गले से लगाएंगे, आप हमारे साथ आ सकते हैं। लेकिन अगर उस बुनियाद से आपको भी मसला है तो फिर आप दूर रहें, हम ये लड़ाई अल्लाह पर तवक्कुल करके खुद लड़ लेंगे। इस बात को आप समझिए। अब जो है आखिर ये क्या बात है, जब ये बात कही जाती है हमारे सामने, यानी ये जो हमने बहुत दिनों से देखा, तो जितने भी प्रोटेस्ट हुए, जितने भी प्रोटेस्ट, कुछ बहुत अहम बातें हैं वो मैं बता रहा हूं आपको, और उस पर कभी सोचिएगा, और आप में 10 लोग भी उस पर सोच ले, सब लोग नहीं, 10 लोग भी उस पर सोच ले तो बहुत कुछ बदल सकता है इंशाल्लाह। आप जरा देखिए कि जितने भी प्रोटेस्ट हैं उसमें हर प्रोटेस्ट में एक एक बंदे के पास तिरंगा झंडा, और जितने भी प्रोटेस्ट हैं उसमें हर जगह मैंने ये देखा कि हर जगह, हर पोस्टर पे, रोड पे, ऑनलाइन इमेजेस में सेफ डेमोक्रेसी, सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेफ नेशन। ये बताइए, जरा सोचिए, कभी जहन से जरा सोचे, ये जो पूरा मामला है, जैसे मैंने अभी आपके सामने बयान किया कि ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक है, तो हम कैसे डेमोक्रेसी को बचाने की बात कर रहे हैं? आप ये सोचिए कि हम आगे आने वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं। अब जैसे ये बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात है, ये बिल जो पास किया गया है, ये बिल अब लॉ बन चुका है, आपको मालूम है, ये बिल कानून बन चुका है, लॉ, पहले एक्ट था, बिल था, फिर एक्ट हुआ, फिर लॉ बन चुका है। अब ये जब लॉ बन गया तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया। जैसे ट्रिपल तलाक था, आपने थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट किया, वो नहीं माने, फिर वो कानून बन गया, लॉ बन गया। अब जो है उस, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की बात करते हैं तो उस कानून को मानना आपके ऊपर फर्ज है उनके अकॉर्डिंग। तो क्या आप अल्लाह की शरीयत और इनका कानून, चूंकि आप बोल रहे हैं कि हम उसको बचाएंगे, तो इन दोनों में किसको सेलेक्ट करेंगे, ये आपको देखना पड़ेगा, आपको कोई एक रास्ता तो चूज करना पड़ेगा। तो ये चीज जो है हमारे सामने नहीं बयान की जाती है। अच्छा, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यही ये बिल जो अब लॉ बन चुका है, अभी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, मान लीजिए कुछ रिजल्ट नहीं निकला, और ज्यादा चांसेस यही है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, कि कोई रिजल्ट नहीं निकला और ये कानून बना रहा और ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हो जाएगा, आप तो यहां से ये बोल के चले जाएंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की लड़ाई है। फिर जो है हमारी आगे आने वाली जनरेशन होंगी, यानी हमारे बच्चे होंगे या दूसरे भाई बहन होंगे, जो जनरेशन चलेंगी आगे की, हम उनको क्या दे रहे हैं? वो फिर आगे जो है उनके साथ कोई परेशानी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो तो दस्तूर बचाने के लिए लड़ेंगे, तो दस्तूर में तो खुद मुसलमानों के खिलाफ सारी चीजें हैं, तो फिर जब उसी को बचाने की बात हो रही है तो फिर लड़ाई है किस बात की? नेशन बचाने की बात हो रही है, अरे देश बचाने की बात तो आरएसएस वाले भी करते हैं, वो बोलते हैं कि तुम गद्दार हो, देशभक्त नहीं हो, यहां से जो है एक लंबा सा बड़ा सा जो है झंडा लेकर हम खड़े हो जाते हैं कि नहीं हम देशभक्त थे, यही तो वो चाहते थे, वो उधर से बोले कि तुम देशभक्त नहीं हो और आप एक बड़ा सा झंडा लगा के बोले कि हाँ हम देशभक्त हैं, यही चाहते थे। वो बोले कि ये भारत माता की जय नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलते, हम फख्र से बोलते हैं कि हाँ हम नहीं बोलते, लेकिन आपने जो है उनकी मुखालफत तो की, लेकिन फिर यहां से भारत माता की जय का नारा भी लगा लिया, तो एजेंडे तो उनके पूरे किए ना, ये सब करवाया जाता है। जब आपके खिलाफ कोई चीजें होती हैं, आप खड़े होते हैं, तो एक यहां पे वैक्यूम क्रिएट होता है, ये वैक्यूम अगर कोई सही लीडरशिप, कोई सही इंसान उसको ले लेगा बिना किसी सियासी और जाति मफाद के, तो फिर मसला हो जाएगा उनके लिए, पूरे एस्टेब्लिशमेंट के लिए मसला हो जाएगा, इसलिए उस वैक्यूम को भरते हैं, कभी किसी सेक्युलरिज्म के नाम से भरेंगे, कभी किसी और के नाम से भरेंगे, और ओवरऑल चीजें आपके खिलाफ ही रहेंगी, आप उसी रूप में एक्ट करते रहेंगे, तो इस बात को समझना जरूरी है। बाकी दूसरी बात जो है कि ये एनआरसी और जो सीए का मामला है, ये कोई नया नहीं है, जितने भी ईमान वाले हैं, जितने भी नबी हैं, उन सब के साथ हुआ। आप उठा के देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक्या, कि जब उन्होंने जो है इस तौहीद की जो है सदा को बुलंद किया, इनको बोला कि जो है तुम झूठे खुदाओं को पूजना बंद करो और एक अल्लाह की इबादत करो, तो क्या हुआ, उनके घर वाले, उनका बाप सब जो है क्या हो गए, उनके खिलाफ हो गए, उनके मुखालिफ हो गए, उनके दुश्मन हो गए। आप जरा देखिए मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल का हाल,
कि फिरौन उनके साथ क्या किया, वो जो उनके जो है घरों से और इलाकों से निकाला वो किस बुनियाद पर निकाला, वो इस बुनियाद पर निकाला वो क्या कहते थे कि कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई मानने जाने के लायक नहीं है, कोई बादशाह नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो जब ये कहा गया तो उनको भी अपने घरों से निकाला गया या नहीं निकाला गया, आप जानते हैं इस चीज़ को। उसी तरह हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कितना ही बेहतरीन अखलाक है, क्या उनसे बेहतर अखलाक किसी के हो सकते हैं कि वो खुद जो है मक्का के मुशरिकीन उनको अमीन और सादिक कहते थे। लेकिन क्या बात हुई कि जब उन्होंने इस बात को कहा कि हम किसी झूठे तुम्हारी बादशाही को कबूल नहीं करते हैं, ये तुमने जो अलग अलग चीज़ें बना रखी है तुम अपने हिसाब से जो है गलत और सही का फैसला करते हो, तब उसके बाद क्या हुआ उनको भी बोला गया कि तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो भी तो एनआरसी और सीए जैसा ही था, वही एग्जैक्टली चीज़ आपके साथ आज की जा रही है। तो आपको जो है आपके पास जो तरीका होना चाहिए कि अब जो आज भी हमारे साथ वही किया जा रहा है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के साथ किया गया, जो मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के साथ किया गया, जो नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी कौम के साथ किया गया, तो फिर आपको भी उसी तरीके से खड़ा होना होगा जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, जैसे सहाबा खड़े हुए। वो कैसे खड़े हुए, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तरह वाक़या तो उठाइए, सीरत को पढ़िए तो सही, खास करके हमारे बहनें पढ़ें सीरत को, अपने बच्चों को पढ़ाए कि हजरत अबू बकर बचाओ बचाओ का नारा नहीं लगाते, वो सेव सेकुलरिज्म और सेव मक्का लैंड उसका नारा नहीं लगाते हैं, वो नारा लगाते हैं अहदुन अहद। और जानते हैं जब उनसे पूछा जाता है ये नारा तुम आखिर ये नारे में क्या खासियत है क्यों लगाते हो, तो हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े खुश होकर बोलते हैं कि इस नारे से अबू जहल के चेहरे पे शिकन पड़ता है, मैं इसलिए ये नारा लगाता हूँ। तो आपको भी याद रहे कि ये जो है इन सब की दुश्मनी, चाहे आरएसएस हो चाहे ये जो है सेकुलरिज्म का जो है एक पहनावा ओढ़े हुए आपके सामने आते हैं, इन सब की दुश्मनी आपके कलमे की वजह से है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से। तो आप भी हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एग्जाम्पल पेश कीजिए और आप भी नारा अहदुल अहद का लगाइए। मेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो ये ज़हनी गुलामी है इसका मैं एक मिसाल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और वो बहुत अहम चीज़ है जो समझने की जरूरत है हमारे लिए। आज़ादी का जो ये नारा है, आज़ादी का नारा, जो ये आज़ादी का नारा है ये जेएनयू से शुरू नहीं हुआ था पहले, ये जेएनयू से शुरू नहीं हुआ था, क्या आप जानते हैं कि ये कश्मीर से शुरू हुआ था। लेकिन जब तक ये नारा कश्मीर में था तब तक यहाँ के मुसलमान ये नारा नहीं लगाते थे, क्यों, क्योंकि जानते थे कि ये नारा लगाएंगे तो हमें एक्सट्रीमिस्ट कह दिया जाएगा, हमें टेररिस्ट कहा जाएगा, हमें ये बोला जाएगा कि ये मुसलमान कश्मीर के मुसलमानों से मोहब्बत रखते हैं, इसकी वजह से इस डर से हमने ये नारे नहीं लगाए। लेकिन आप ज़रा देखिए कि जैसे ही ये नारा कन्हैया कुमार ने लगाया तब मुसलमान जो है बड़े खुशी से ये नारे लगाने लगे। ये ज़हनी गुलामी, ये क्या है, ये ज़हनी गुलामी है जो हमारे दिलो ज़हन में बहुत ज़माने से भरी गई है। और आज आप देखिए कि मुसलमान के घर का बच्चा बच्चा आज़ादी का नारा लगा रहा है, पर क्यों लगा रहा है, क्योंकि एक काफिर ने ये नारा लगाया ना, इसलिए लगा रहा है, अगर मुसलमान लगाता तब नहीं लगाता। अब ये तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा चूंकि जामिया मिलिया इस्लामिया के एक मुसलमान लोगों ने लगाया है इसलिए ये नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। लेकिन यही नारा कल को अगर कन्हैया लगा देगा तब आप देखिएगा कि फिर ये सब लगाएंगे नारे। ये ज़हनी गुलामी है, ये ज़हनी गुलामी है कि खुद जो है मुसलमानों के अंदर खुद इस्लाम की नफरत पैदा हो गई और ये करवाया गया है, ये बार बार बोल के करवाया गया है। सबसे बड़ा काम जो इस पूरे मूवमेंट का जो सबसे बड़ा काम हो सकता है वो ये हो सकता है कि ज़हनी गुलामी से हम बाहर निकले और हम किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे कि वो मेरी आवाज़ उठाएगा, वहाँ से वो साहब बोलेंगे, मैं ये बोल दूंगा तो मीडिया ये दिखा देगी। अरे तुम कुछ भी बोलो मीडिया तुम्हें वही दिखाएगी, तो हक की आवाज़ बोलो ना, फिर अल्लाह के दिन के लिए उठो ना, फिर किसी और चीज़ के लिए बातिल के लिए टूटते हो। अरे जो है